हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। अब कुछ ही टाइम में हमारे पास हमारी सीआरएल रैंक रहेगी, कैटेगरी रैंक रहेगी और कहीं ना कहीं बहुत सारे कंफ्यूजन रहेंगे कि क्या हमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन मिल सकता। हाई रैंक पे भी लोग सोचते हैं कि हमारा एडमिशन शायद एनआईटीज में हो सकता है, शायद ट्रिपल आईटीज में हो सकता है। अब इसका सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, जो मेन राउंड माना जाता है हाई रैंक के लिए, वो रहता है सीसैप का राउंड। जोसा में तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि हाई रैंक पे कोई कॉलेज मिल पाए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे ट्रैफिक काफी ज्यादा रहती है। लेकिन जहां हम सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड पे जाते हैं, सीसैप राउंड पे जाते हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी क्रिएट होती है। बट बहुत लोगों के मन में ये मिथ भी रहता है कि कुछ भी रैंक रहे, हमारी पॉसिबिलिटी सीसैप में क्रिएट हो जाएगी। 2018 में तो सीसैप में ऐसा रैंक गया था, 2017 में तो ऐसा रैंक चला गया था, 2019 में ऐसा रैंक चला गया था। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हर साल सीसैप में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले, और ये चेंजेस छोटे मोटे चेंजेस नहीं देखने को मिले, ये चेंजेस कुछ ऐसे चेंजेस थे जिसके कारण कट ऑफ में एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन, एक अच्छा खासा डाउन कट ऑफ गया। तो सारी चीजों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और आपको क्लियर एक फिगर नजर आएगा कि आप कितने रैंक तक एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि हमें सीसैप में जो है कॉलेज मिल जाएगा। अब दूसरा कंसर्न बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आता है, क्या सीसैप राउंड कंडक्ट होगा? वैकेंसीटें आती तभी तो सीसैप राउंड होता है, क्या वैकेंसीट नहीं आएगा तो सीसैप क्या नहीं होगा? तो आज की डेट में सीसैप बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड बन चुका है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि सीसैप नहीं हो। नोटिफिकेशन इसका थोड़ा डिले आता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को भी लेके कि सीसैप होगा या नहीं होगा। जो हमारी हाई रैंक पे एक चांस है, प्रोबेबिलिटी है कॉलेज मिलने की, वो पॉसिबली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उसकी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ स्टैट को हम डिस्कस कर लेते हैं। 2015 की बात करें तो करीब करीब आपका 2300 के आसपास सीटें वैकेंट चली गई थी उस टाइम पे, जब सीसैप नहीं होता था। और ये सीटें वैकेंट जो है मतलब एक अच्छे खासे अमाउंट में गई थी। और 2016 की बात करें तो 3100 के आसपास सीटें वैकेंट गई थी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज को मिला के, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज को मिला के। अब आप ये समझ लो कि सीटें बहुत पहले से ही वैकेंट आ रही थी, कहीं ना कहीं इसका एक अल्टरनेटिव राउंड लाया गया, क्योंकि जोसा ने साफ डिक्लेयर कर दिया था कि हम आगे जो है राउंड्स को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट राउंड टाइप का कुछ भी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इसी के लिए जो है सीसैप ने अपना राउंड खुद ही इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 की बात और 2020 की बात करें तो टोटल मिला के जो वैकेंट सीटें थी वो 7000 प्लस दोनों ईयर में थी। वही अगर हम बात करें एनआईटीज में कितने वैकेंट सीटें थी, जो मतलब मैं लास्ट राउंड की बात बोल रहा हूँ, सीटें कहीं ना कहीं वैकेंट और इंक्रीज हो रही है, मतलब ईयर बाय ईयर जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो एनआईटीज की अगर हम बात बोले तो 3000 के आसपास एनआईटीज में सीटें वैकेंट रही थी, वहीं आप 2020 में भी 3000 के आसपास ही रही थी। वहीं अगर ट्रिपल आईटीज की बात बोले तो 1400 के आसपास 2019 में और 1400 के आसपास 2020 में भी रही। अगर जीएफटीआईज की बोले तो 2600 के आसपास सीटें वैकेंट थी, और वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो 3000 के आसपास सीटें वैकेंट थी। तो कुल मिला के 7000 प्लस सीटें जो है 2019 और 20 में भी वैकेंट हुई। तो ये कंसर्न बिल्कुल भी नहीं रखना है कि सीसैप होगा या नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हमारे माइंड में उठ सकता है कि क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम रख सकते हैं सीसैप के लिए। तो इसके लिए वीडियो में आगे बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ आप कॉलेज प्रिडिक्टर भी हमारा यूज कर सकते हैं, कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे कॉलेज प्रिडिक्टर अवेलेबल। आपकी जो भी रैंक रही हो, आप स्टेट लेवल पे भी डिफरेंट डिफरेंट जो जो जेईई मेंस के थ्रू कॉलेज लेते हैं, वहां पे आप अपने रैंक को डाल के देख सकते हो कि वहां पे आपकी क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, जोसा में आपकी क्या पॉसिबिलिटी हो रही है। मात्र 399 के एक छोटे से सब्सक्रिप्शन में आपका पूरा का पूरा प्रिडिक्टर फ्री हो जाएगा। वहां पे एडवांटेज आपको क्या मिलता है कि पिछले 3 साल के स्टैट को आप कंपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आप कॉलेज की प्लेसमेंट को वहीं पे देख सकते हो, कट ऑफ को देख सकते हो, राउंड वाइज क्या कट ऑफ रहा था, किस राउंड में फाइनली जाके हमें कॉलेज मिल जाएगा, और फी स्ट्रक्चर को भी आप वहीं पे देख सकते हो। और फिल्टर का ऑप्शन आप यूज करके जो भी स्पेसिफिक ब्रांच आपको चाहिए, उस ब्रांच के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल पा रहे हैं, ये भी आप फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हो। जोसा और सीसैप के प्रिडिक्टर फ्री है, फिल्टर का ऑप्शन के लिए आपको जो एप्लीकेशन है वो अपग्रेड पे करना पड़ेगा। 399 में आपका सारा का सारा फंक्शनैलिटी आपका फ्री हो जाता है, कोई सिंगल प्रिडिक्टर के लिए चार्ज नहीं लिया जा रहा है। एफर्ट ज्यादा लगता है, वर्क ज्यादा लगता है, क्वालिटी प्रोडक्ट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी क्वालिटी प्रोडक्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ भी थोड़ा सा जरूरी होता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो भी हम आपको चार्जेस ले रहे हैं वो उसके लिए जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है, तो डेफिनेटली जाके ट्राई करना। वहीं अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में सीसैप नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वहां पे देखो क्या कट ऑफ का उछाल हमें देखने को मिला था। अगर हम बात करें एनआईटीज की, तो एनआईटीज ओपन कैटेगरी से, मतलब
हम अदर स्टेट ओपन कैटेगरी की बात बोल रहे हैं, कोई होम स्टेट कोटा नहीं लग रहा है यहाँ पे, अदर स्टेट से 4 लाख रैंक तक चला गया था। मतलब आप देखो कि यहाँ पे लाखों में रैंक नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं 1 लाख 1.5 लाख पे NIT मिजोरम, NIT अगरतला, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल रहे थे 2017 में। अब इसका रीजन सिंपल सा था कि सीसब किसी को पता नहीं था कि क्या होगा, जोसा में जिनको कॉलेज मिल गया काफी डिले सीसब होता था। अभी तो कोविड के कारण सिचुएशंस ऐसी हो गई है कि बहुत सारी काउंसलिंग पहले खत्म हो जा रही है, लेकिन पहले जोसा की काउंसलिंग होती थी फिर सीसब एकदम एंड तक चलता था, तब तक मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कॉलेज लेके बैठे हुए होते थे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था जो कट ऑफ जंप करने का। वही अगर हम 2018 में NITs की बात करें तो आप देखो NITs जो है वो 1.5 लाख रैंक पे जाके रुक गया, जहां पे 4 लाख पहले जा रहा था वो 1.5 लाख। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हल्ला उठ गया कि सीसब एक ऐसा राउंड है जिसके अंदर कोई भी आपका रैंक हो तो आपको NITs मिल सकता है, हजारों वीडियोस बनने लगे, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा शेयर होने लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाना शुरू हो गया। और यहाँ पे जो था पहले 2017 में केवल 1 राउंड का सीसब कराया गया था, यहाँ पे 2 स्पेशल राउंड कराए गए थे, तो फर्स्ट राउंड के बाद भी आप विड्रॉल लेके सेकेंड राउंड में बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक जो निगेटिव पॉइंट था कि अगर आप कॉलेज ले लेते हो ठीक है जोसा में, और जोसा में आप जाके फीस सबमिट कर देते हो, फिजिकली वेरिफिकेशन करके फीस सबमिट कर देते हो, तो फिर से आपको नए तरीके से सीसब में इंट्रोड्यूस होना पड़ता था। मतलब जो आपकी जो सीट कैंसिल होती जोसा की, वो जो रिफंड होता वो काफी टाइम बाद आता था, यहाँ पे आपको फिर से पेमेंट करना होता। तो बहुत सारे बच्चे जोसा के साथ ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिकली उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो यहाँ पे भी पैसा दे पाए वहां पे भी पैसा दे पाए, तो वो जोसा के साथ ही संतुष्ट हो जाते थे और फर्दर सीसैब में नहीं जाते थे। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था 2018 में। आप देख लो यहाँ पे 1.5 लाख पे, यहाँ पे 96,000 पे, 95,000 पे। ये अभी हम आगे बढ़ते चलेंगे किस तरीके से चीजें चेंज अगर हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग के अंदर हम फंस के रह जाएंगे, ये एक्सपेक्टेशन करते रह जाएंगे कि नहीं भाई मेरी रैंक हाई है, कोई किसी ने बता दिया 2018 में इतना कट ऑफ गया था तो मुझे भी चांस है मिलने का, और क्या हुआ कि उस रिस्क जोन में क्या हुआ वो मेरा पूरा का पूरा ईयर या तो बर्बाद हो जाएगा या कोई छोटे कॉलेज के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चेंजेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों कट ऑफ हाई जा रहा था और क्यों कट ऑफ लो जाना शुरू हो गया सीसब में। अब अगर हम 2019 की बात बोले तो सीधे 1 लाख के अंदर कॉलेज क्लोज होना शुरू हो गया, 94,000, 89,000, 84, ये NITs की बात बोल रहा है, अभी IIITs को भी देखेंगे और GFTIs को भी देखेंगे, 81,000, 80,000 यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम क्लोजिंग कट ऑफ है, इससे ऊपर किसी बच्चों को NITs नहीं मिला होगा 2019 में। अब 2019 में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा और कट ऑफ गिरने का रीजन रहा कि पहले क्या होता था कि आपको जोसा में अलग कॉलेज मिल रहा है, फिर अगर आप सीसा में नया कॉलेज मिल रहा है तो उधर की सीट कैंसिल होती थी, लेकिन जो पैसे होते थे वो काफी दिनों बाद रिफंड होते थे और आपको फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता था। फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए इस 2019 में भी आपको जाना पड़ता, लेकिन आपके पैसे जो थे वो नहीं फंसे, मतलब कि आपके पैसे जो भी आपने सबमिट किया होगा वो ट्रांसफर हो जाते थे नए कॉलेज में जब आपको सीसा में कॉलेज अलॉट होता था। तो जो ये एक बड़ा ड्रॉबैक था कि अगर हम जोसा को कॉलेज, जोसा के कॉलेज को लेके सीसा में जा रहे हैं तो वहां पे जो हमारे पैसे फंसते थे कुछ मंथ के लिए वो अब नहीं फंसते, अब क्या होता ट्रांसफर हो जाता। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीजें समझ में आ गई और बहुत सारे स्टूडेंट ने फाइट किया सीसैब के लिए और अपने चांस, अपने प्रोबेबिलिटी को देखा और कहीं ना कहीं इसका कट ऑफ में खामियाजा देखने को मिला। अब आते हैं 2020। अब 2020 में आप देखो कि 69,000, 74,000, 75,000, 79,000 लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ रहा था। मतलब जो भी राउंड्स जोसा सीसैब सब मिला के ओपन कैटेगरी, सारी चीजें ओपन कैटेगरी दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं आपकी कैटेगरी लगती है तो वो तो आप कॉलेज प्रिडिक्टर, कॉलेज टी पॉइंट का यूज करके आप चीजों को पता कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम समझना जरूरी है क्यों कट ऑफ डाउन जा रहा है। अब 2020 में क्या हुआ कि 2020 में सारे प्रोसेसेस को ऑनलाइन कर दिया गया, जो आपको फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ता था वो भी चीजें अब खत्म हो गई, क्योंकि कोविड के कारण कहीं से भी फिजिकली वेरिफिकेशन हुआ नहीं, सारी चीजें ऑनलाइन चलती रही। अब क्या हुआ कि सीसब राउंड जो है वो 7th और 8th राउंड बन के रह गया। 2020 में 6 राउंड की काउंसलिंग हुई, फिर सीसब 1, सीसब 2 जो स्पेशल राउंड 1, 2 जो है वो कहीं ना कहीं 7th और 8th राउंड बन के रह गया, क्योंकि यहाँ पे ओपन छूट दे दिया गया कि अगर आप सीसब में जाना चाह रहे हो तो अपना जो भी सीट है जोसा में वो रिजर्व करो, फाइनल पेमेंट आपको नहीं करना, आप सीसब में लक अपना ट्राई करो, अगर सीसब में मिल जाता है तो आपको फाइनल जो फी पे करना है वो सीसब के बाद ही करना है, इनकेस आप सीसब में नहीं जाना चाहते हो तो आप अपना फाइनल पेमेंट जो है जोसा के अंदर ही कर दो। तो
मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट ने अपने लक को छोड़ा नहीं होगा, जिनको भी अपना डिजायर कॉलेज सेकंड नंबर भी चॉइस मिला होगा तो वो भी अपने फर्स्ट नंबर चॉइस के लिए फाइट जरूर किए होंगे। और इसका खामियाजा आपको देखने को मिलेगा जब आप कट ऑफ को देखोगे, सीएसआईटी रिलेटेड कट ऑफ ऑलरेडी डाउन जाते जा रही है, और सीसीएम में भी आपको कुछ ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिला कि जो स्पॉट राउंड है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिला हो। बाकी ब्रांचेस अगर हम मैकेनिकल की बात करें, सिविल की बात करें, तो वैसे ही आप ईयर बाय ईयर जब दो तीन सालों के कट ऑफ को आप कंपेयर करोगे कॉलेज टी पॉइंट के प्रेडिक्टर पे, आप जब दो तीन सालों के कट ऑफ ट्रेंड को देखोगे तो मैकेनिकल सिविल की जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी हाई जाते जा रही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी वैसे भी रहेगी। तो जो आप प्रिडिक्शन करते हो कि नहीं कोई कॉलेज 50,000 पे क्लोज हो गया था तो मेरा 55,000 है तो मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं है। आपको तीन साल के ट्रेंड को देखना है, हो सकता है आप मैकेनिकल सिविल के साथ जाना चाह रहे हो तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको इस साल कट ऑफ में जंप देखने को मिले, वहीं अगर आप सीएसआईटी के साथ जा रहे हो तो हर साल क्या है कट ऑफ डाउन जाते जा रहे हो। तो ये सारी चीजों को भी काउंसलिंग के अंदर समझना जरूरी होता है। अगर हमारी असेसमेंट आप काउंसलिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो गूगल डॉक की फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप फॉर्म को भर सकते हो, वहां से हमारे काउंसलर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं वहीं ट्रिपल आईटीज की बात करते हैं। ट्रिपल आईटी 2017 में आप देखो मणिपुर ट्रिपल आईटी जो है इसी ब्रांच के साथ वो 350,000 पे क्लोज हो गया था, 1,00,000 के अप्रोक्स ट्रिपल आईटी भागलपुर और 1,00,000 के अप्रोक्स ट्रिपल आईटी मणिपुर। वहीं अगर हम 2018 की बात बोले तो 2018 में सीधे जो 3,50,000 तक था वो 1,35,000 पे आके रुक गया, 1,12,000 और ये 96,000। अब ये भी जो भी कट ऑफ दिखाई जा रही है वो ओपन कैटेगरी से दिखाई जा रही है, तो इससे आप चीजें समझ सकते हो कि ओपन कैटेगरी तो 2017 में 3,00,000 तक चला गया, वहीं 2018 में 1,00,000 पे आके रुक गया। अब एक बार 2019 की कट ऑफ को देख लेते हैं, 2019 की कट ऑफ 79,000 पे आके रुक गई, मतलब जो चीजें पहले 3,00,000 तक थी फिर 1,00,000 हुई फिर 79,000 पे आके रुक गई। अगर वहीं हम 2020 की बात करें तो लास्ट जो क्लोजिंग कट ऑफ रहा है वो 74,000 पे आके रुक गया कट ऑफ, ठीक है। तो ये सारे कंसर्न को समझना जरूरी है, ऐसा हम प्रिटेंड करके नहीं चल सकते कि 2018 में गया था तो हमारा भी लक अच्छा हो सकता है। लक वाली चीज एक्सेप्शन है, यहाँ पे सिस्टम को समझना है क्यों ऐसे कट ऑफ चेंज हो, क्या एडवांटेज मिल रहा है लोगों को जिसके कारण सीसीएफ का कट ऑफ डाउन जा रहा है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। वही अगर हम जीएफटीआईज की बात बोले तो जीएफटीआईज आप देखो 1,00,000 रैंक पे, मतलब आपने जेईई मेन अपीयर किया और आपको जीएफटीआई डेफिनेटली मिल गया। 2017 में ऐसा हुआ था और बहुत बड़ा एक जो है टॉपिक बन गया था कि सीसीएफ एक ऐसा राउंड है कि बस आप जेईई मेन में अपीयर हो आपको कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर हम 2018 की बात बोले तो वो भी यहाँ पे क्या है प्लस पॉइंट पे ही रहा, क्योंकि मैंने बताया ना 2018 में फी वाली जो सिस्टम थी वो बहुत डिफरेंट थी कि जोसा में आप अगर सबमिट कर देते हो तो फिर से आपको रिटर्न के लिए 5-6 महीने का वेट करना पड़ेगा और जनरली कोई भी स्टूडेंट इतना वेट नहीं करना चाहता है एक बड़े अमाउंट के साथ। फिर अगर हम 2019 की बात बोले तो सीधे जो 1,00,000 तक था अब सीधे वो 2,50,000 पे आके रुक गया, मतलब मैक्सिमम कट ऑफ जो गया वो 2,50,000 तक चला गया। तो यहां से क्या है 2019 में जो बेनिफिट मिला कि आपको फी जो है शिफ्ट करा दिया जाएगा, इसका सभी ने एडवांटेज उठाया। और 2020 में तो फिजिकली रिपोर्टिंग भी आपको नहीं करना पड़ा, एज सिंपल सा राउंड बन गया और ये चीजें जो है 2,22,000 पे आके रुक गई। तो एक बात ये चीज जरूर समझ लेना कि कहीं से भी अगर हम 2,00,000 प्लस रैंक पे रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि जीएफटीआई हमें मिल ही जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर गया था, तो कम से कम अपने सेफ साइड ऑप्शंस को कुछ और क्रिएट करके चलो, क्योंकि अगर हम केवल 2,00,000 के भरोसे बैठ जाएंगे कि डेफिनेटली मिल जाएगा, या फिर अगर 1,80,000-70,000 भी रैंक और डेफिनेटली हम बैठ जा रहे हैं, होम स्टेट कोटा आपका कहीं का नॉर्थ ईस्ट का लग रहा है या फिर कोई ऐसे कॉलेज में होम स्टेट कोटा लग रहा है जो हाई हाई कट ऑफ तक जाता था, तो होम स्टेट कोटा डेफिनेटली एक अच्छी प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन कुछ होम स्टेट कोटा तो कहीं भी कट ऑफ को राइज होने ही नहीं देते, जैसे एमएनआईटी जयपुर की बात बोले, फिर एमएनआईटी अलाहाबाद की बात बोले या फिर एनआईटी पटना की बात बोले, तो ये सारे जो एनआईटीज हैं इनमें होम स्टेट और अदर स्टेट एकदम टक्कर टक्कर के चलता है, इवन कोई कोई स्टेट में तो होम स्टेट का कट ऑफ डाउन भी हो जाता है। बाकी अगर आपका होम स्टेट कहीं और लग रहा है तो डेफिनेटली उसका चांस हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम रिस्क फैक्टर पे नहीं रहेंगे, कुछ आधे ऐसे काउंसलिंग करते हुए चलेंगे। अगर रियल टाइम एनालिटिक्स से हमें ये पता चल रहा है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हाई जा रही है, सेकंड राउंड की कट ऑफ हाई जा रही है प्रीवियस तीन सालों के कंपेयर में, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको सीसीएफ तक 2,00,000 रैंक 2,50,000 रैंक तक मिल जाए, लेकिन इसको सेकेंडरी ऑप्शन ही मान के चलना अगर आपकी हाई रैंक रह रही है। प्राइमरी ऑप्शन जो है वो कोई और काउंसलिंग को अपनी बना के चलना ताकि वहां पे आपका सीट सेफ हो जाए, अदरवाइज अगर आपको सीसीएफ में भी नहीं मिला
तो एक टाइम ऐसा था, काउंसलिंग एक सबसे बेहतरीन मीडियम होता है कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने का, बस हमें पता नहीं होता कि कहाँ कहाँ की काउंसलिंग करनी है, तो उसके लिए कॉलेज प्रिडिक्टर आप यूज करो, जेईई मेन के अंदर जितनी भी काउंसलिंग हो रहे हैं वहां पे अपने लक को ट्राई कर लो, तो पता तो चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ चांस बन रहा है, क्या क्या कॉलेज के स्टैट रह रहे हैं वहां पे, तो कम से कम आप वहां की काउंसलिंग कंडक्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये कि जब हम काउंसलिंग करते हैं, 3-4 काउंसलिंग करते हैं, तो हमें ये चीज समझना होता है कि किस टाइम पे किस काउंसलिंग को छोड़ना और किस टाइम पे किस काउंसलिंग के साथ कैरी फॉरवर्ड होना, तो ये सारा डिसीजन मेकिंग भी काउंसलिंग का पार्ट होता है, बस चॉइस फिलिंग ही काउंसलिंग का पार्ट नहीं होता। तो इसके लिए हम पूरी की पूरी असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको काउंसलिंग असेसमेंट चाहिए तो गूगल डॉक में आप अपने क्वेरी को भर दो, हम आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। अब ये तो था जो एक मिथ बना हुआ था कि नहीं हाई रैंक तक मिल जाता है, कम से कम अब ओरिजिनलिटी हमारे पास है। अब कोई अगर हमें बोलता है कि नहीं 10 लाख रैंक पे भी हम दिला देंगे, 5 लाख पे भी आप देख लो, स्टेट 2017 में चला गया था, 18 में चला गया था, हम दिला देंगे, तो कम से कम आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको सिस्टम पता है कि नहीं पता है, आप कैसे कह रहे हो दिला दोगे, ठीक है। इसके अलावा अभी बहुत सारे काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक कर दो, जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना हम काउंसलिंग में आपकी सपोर्ट के लिए रेडी होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।